हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हृदय और मैं आए हैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके, जो पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं मनी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। एंड हृदय इज नाउ 14 इयर्स ओल्ड, सो आई थॉट कि अब दिस इज द राइट टाइम टू डेवलप एडीएल स्किल्स। यू नो दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अब एडीएल स्किल्स पे काम करें इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। एंड ही जस्ट लव ऑल दीज एक्टिविटीज, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड वी विल स्टार्ट। ओके, तो मनी कंसेप्ट सिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले मैंने एक ये बुक ली है, ठीक है, एंड इसमें पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है, व्हाट कैन आई बाय, और हृदय हमें बताएगा कि आई हैव, हृदय इसमें क्या लिखा हुआ है। रुको, मेरे को थोड़ा सा कैमरा ठीक करने दो ताकि हमारे व्यूअर्स बुक को देख पाए। हृदय इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैन आई बाय। मैं क्या दे सकता हूं? हृदय के पास है 5 रुपीज, ओके, ठीक है, और हृदय के पास है 5 रुपीज, तो हृदय क्या खरीद सकता है? 5 स्टार खरीद सकता है कि लेस खरीद सकता है? चॉकलेट। क्या खरीद सकता है? 5 स्टार। तो मैं शॉपकीपर हूँ और मैं, आप मेरे पास आए हो, तो आप क्या बोलोगे मुझे? मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए? 5 स्टार। तो हृदय आपको 5 रुपीज देने पड़ेंगे मुझे, तब मैं आपको 5 रुपीज नहीं, तब मैं आपको 5 स्टार दे सकती हूँ। तो आप क्या करोगे, आप मुझे मनी दोगे, पैसे? ये हृदय मुझे मनी देगा, ठीक है, और उसके बाद में मैं हृदय को वो दूंगी, 5 स्टार दूंगी उसके बदले में, ठीक है? 5 रुपीज लो, आप मुझे 5 स्टार दो। ओके, अभी मेरे पास 5 स्टार नहीं है तो मैं आपको 5 रुपीज में बिस्किट दे रही हूँ। इसका MRP कितना है? 5 रुपीज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पेज आता है इसके अंदर ये, ठीक है। अभी इसमें कितने रुपीज का नोट लिखा हुआ है हृदय? आई हैव 10 रुपीज। तो इसमें आप क्या खरीद सकते हो? सेंटर फ्रेश कितने की है? 2 रुपीज। और पर कितने की है? 5 रुपीज। 5 रुपीज की। 10 - 7 कितना होता है? आप मुझे कितने रुपीज दोगे? 7 रुपीज दोगे ना? कितने दोगे? 7 रुपीज। तो आपको क्या क्या खरीदना है 7 रुपीज में? सेंटर फ्रेश और पर। तो आप मुझे कितने दोगे? 5 + 2 दो, गिव इट टू मी, दो। और मैं आपको क्या दूंगी? पर और सेंटर फ्रेश, ठीक है। सेंटर फ्रेश मेरे पास नहीं है तो मैं आपको ये दूंगी और मैं आपको साथ में 5 रुपीज का ये दूंगी, ठीक है? थैंक यू। तो इस तरीके से हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। हमें पहले स्मॉल चीजों को बाय करना सिखाना होगा। अगर हम और चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि हम 100 रुपीज का कॉन्सेप्ट उन्हें सिखा रहे हैं या कोई भी मनी का कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो है उनको नोट से, यू नो, मनी से हमें वाकिफ करना होगा। दिस इज 5 रुपीज, दिस इज 10 रुपीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोट्स, ओके, 20 रुपीज, 50 रुपीज, ठीक है। फिर उसको कैलकुलेट करना बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर और मे बी, यू नो, मेंटल मैथ। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज एबल टू आइडेंटिफाई, the child is able to identify by notes, by coins, you know, if they are able to identify, then the next step would be identification ke baad mein aap unko practically ghar pe demo kariye, you know, buy some products, jaise humne bhi kuch yahan pe products rakhe hue hain, you know, biscuits. So they can buy them and, you know, Patanjali ke biscuits and all, and so isliye rakhe hain kyunki wo bachcha usse relate kar paaye. So, उससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेटेड फील करता है, या यू कैन, बच्चा मोटिवेटेड फील करता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पहले आपने उनको छोटे नोटों के बारे में बताया, फिर आपने उससे रिलेटेड उनको वर्कशीट्स दी करने के लिए, ठीक है, वर्कशीट्स के बाद में आपने उनको बड़े नोटों के बारे में भी सिखाया, जैसे कि उसके बाद आते हैं 100, 200, 500, 2000 के नोट्स। अगर इनको बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता है, सो यू कैन ऑलवेज यूज अ कैलकुलेटर। डोंट पुट स्ट्रेस ऑन देयर ब्रेन, वो जितना लर्न कर रहे हैं अपनी पेस के हिसाब से, लेट देम लर्न अबाउट दैट, बट देन स्लोली इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स आल्सो।
See, learning has to be always customized according to the needs of your child. Every child is unique, every child is different. So we can't compare that he is able to do that and he is not able to do that. ठीक है? और हमेशा आपको उनको रिवॉर्ड जरूर देना अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे कॉइन की एक टास्क है, नोट्स की अलग टास्क बनी हुई है नो. आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छी वर्कशीट है और आपको इसको सिखाना चाहिए. अब देखो इसमें सर्कल ऑफ यू नो यू हैव टू सर्कल 10 रुपीज का नोट एंड इन द अदर बुक यू हैव टू सर्कल द 20 रुपीज का नोट. तो ये क्या आइडेंटिफिकेशन. सो ADL स्किल्स में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों को मनी का, टाइम का, मेजरमेंट का, शॉपिंग का. यू नो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हाउ टू यूज एन ATM मशीन, हाउ टू यू नो डू वोटिंग. यू नो बिकॉज माई किड इज ग्रोइंग यू नो इज इन टू दैट फेज जहाँ पे उसको ये सब स्किल्स आने चाहिए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हृदय के पास क्या है? मनी. मनी पहले हृदय हमें कैलकुलेट करके बताएगा हृदय के पास कितनी मनी है. पहला नोट कितने रुपीज का आपके पास? 10 रुपीज का. 10. तो 10 रुपीज यहाँ पे लिखो कैलकुलेटर में. 10 प्लस नीचे रखो उसके बाद 10 रुपीज यहाँ रख दिया. प्लस हाउ मच मनी यू हैव? प्लस लिखो 20 प्लस 30 कितने हो गए? 30 रुपीज. अब और रुपीज कितने बचे आपके पास? 5 रुपए प्लस 5 कितने हो गए? 35. ओके प्लस 15. हाँ तो हृदय के पास टोटल मनी कितनी हुई? टोटल मनी कितनी है? 85. हृदय के पास टोटल मनी कितनी है? 85. अब हृदय गया मार्केट, बाजार गया. हृदय बाजार गया. हृदय हृदय का मन करा कि मुझे आज क्या खरीदना है? मुझे तो आज कुकीज खाने का मन है. हृदय के फेवरेट कुकीज का नाम बताओ. ओट्स चॉकलेट कुकीज. वाओ डिलीशियस तो होते हैं भाई. अच्छा अब फार्म लाइट, अब ये वाले जो कुकीज खरीदने के लिए क्या आपके पास पैसे हैं? कुकीज कितने की है? 70 रुपीज है. तो आप मुझे कितने पैसे दोगे? 70. तो 70 निकाल के दो मुझे 70. Okay. रुपीज. नहीं 50 रुपीज निकालो पहले. 50 रुपीज निकालो. ओके कहाँ है 50 रुपीज का नोट? 50. और आप और कितने दोगे मुझे? 70 कैसे बनेंगे? 50 कितने हो गए हृदय के? मुझे और कितने देने हैं? 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70. तो अभी आप मुझे कितने रुपीज और दोगे? 20. गिव मी 20. वेट आई गिव यू. अभी हृदय ने मुझे कितने दिए? 70 रुपीज. तो फिर मैं हृदय को क्या दूंगी? हृदय के चौकीज. ये तो ऐसे हमें माइंडफुल शॉपिंग करनी है. अब हृदय को भुजिया खरीदनी है. ठीक है भुजिया का MRP कितना है? कितना लिखा है यहाँ पे? कहाँ लिखा है MRP? कहाँ लिखा है यहाँ पे MRP? 10 रुपीज. ये देखो लिखा है ना 10 रुपीज. ये होता है MRP. ठीक है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जहाँ लिखा होता है ना उसके आगे एक डिजिट लिखी होती है उसको बोलते हैं MRP. ठीक है तो हृदय क्या करेगा? 10 रुपीज देगा मुझे. कितने मुझे 10 रुपीज दो. आई विल गिव यू भुजिया. नहीं 10 आपके पास है. 10 रुपीज. वेयर इज 10 रुपीज? आपके पास है. वेयर इज 10 रुपीज? दिस इज 10 रुपीज. दे लुक केयरफुली. तो पहले क्या होता है कि पहले हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ही सिखाना है. बिकॉज अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोट्स, कॉइन्स ये सब नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आती, यू कैन ऑलवेज यूज अ कैलकुलेटर. ठीक है ये तो सिंपल कैलकुलेशंस है. फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हृदय को भी अभी थोड़ा कैलकुलेशंस में इश्यूज आते हैं. सो आई ऑलवेज मेक श्योर यूज कैलकुलेटर फॉर कॉम्प्लेक्स थिंग्स. अभी वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. बट देन यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोट्स नहीं होगी, कॉइन्स नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी.
तो अभी क्या हुआ, हृदय ने मुझे 10 रुपीज दिए एंड आई एम गोइंग टू गिव हल्दीराम भुजिया टू हिम, सो ही इज गोइंग टू एंजॉय. एंड ऑलवेज ऑलवेज पेरेंट्स, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑलवेज गिव एन रीइंफोर्सर. जब भी वे कुछ अच्छा काम करते हैं तो इनको हमेशा एक पॉजिटिव यू नो कि गुड जॉब, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, इनका फेवरेट चीजें थे. अभी आपने इतना अच्छा काम किया, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए. तो आपको किसी एक छोटी सी चीज से रिवॉर्ड करना नहीं भूलना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखो हृदय आपसे रिक्वेस्ट करता है, सो यू हैव टू शेयर द वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल, पेरेंट्स, यू नो द केयर गिवर्स ऑफ ऑटिज्म कम्युनिटी, एंड यू नो यू शुड लर्न दैट हाउ कैन वी एम्पावर आवर चिल्ड्रन. आवर चिल्ड्रन आर यूनिक, दे आर स्पेशल, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट हमें थोड़ा वे डिफरेंट करना उनको टीच करने का. एंड इफ यू फील दैट यू वांट टू कनेक्ट विद मी, सो यू कैन ऑलवेज यू नो व्हाट्सएप मी ऑन माय गिवन नंबर, प्लीज डोंट कॉल मी डायरेक्टली, एंड आई कैन हेल्प यू, यू नो, इन क्रिएटिंग आईआईपी प्लान्स. आई कैन हेल्प यू इन एडिंग टू माय व्हाट्सएप सपोर्ट कम्युनिटी, एंड वी कैन डू अ लॉट टुगेदर. So kindly stay connected and be very very positive. Autism is definitely workable if you go on a step by step process. It is not that it is not workable. Our kids are unique, they are different, they are special, they are gifted learners, so we have to nurture those abilities, okay? We don't have to see that what they don't have, we have to see that what we can achieve with the things they already possess in them. Okay, so never ever stop believing in your child. Thank you and have a great day. Bye bye.